अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं विनीश नाम और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित खान। अब्दुल बासित खान जी, अब्दुल बासित खान, हम आज क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं, आपको शायद ना बताओ, हीर रांझा, बीबी की वाइंस का सॉन्ग। ओहो, बीबी की वाइंस, बीबी की वाइंस का सॉन्ग हीर रांझा। भुवन मैम का हम गाना सुनेंगे हम। चलें, अब तो क्या बोल सकते हैं, उन्होंने यहाँ चुप ही करवा दिया। चलें, कर दें भाई, ले करें, करें, देख लेते हैं। गाने भी हैं इनके, गाना नहीं है, तीसरा चौथा सॉन्ग है इनका। अच्छा। सारी मासूम सी खुशियां, भूल जाए फासले कुछ ऐसे होते हैं, आप वीडियो देखते हैं, बड़ा फील कर रहे होते हैं,
वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा कि मतलब एक अच्छा वीडियो सॉन्ग तो मैं सुन रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था काफी। इसमें इसने खुद को कार्टूनाइज किया दिखा था, अपना कैरेक्टर उसने किया हुआ था और वीडियो के हिसाब से वो सूट कर रहा था। अच्छा सॉन्ग मतलब सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी, तो मैं सॉन्ग पे मेरा कम फोकस था, जो वीडियो चल रही वीडियो थी ना, पे उस पे मुझे मतलब ज्यादा हो रहा था, मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, मैं समझ रही थी और मतलब अच्छा जिस तरीके के सीन दिखा रहे थे, एक बिल्कुल ऐसे दिल को लग जाने वाले, दिल को छू जाने वाले, एक साथ बैठना उठना खाना पीना, फिर एक जिस तरीके से वो बैक साइड और फ्रंट साइड दिखा रहे थे, एक साइड ये है तो एक साइड गर्ल है, एक साइड पे अगर दोबारा गर्ल है तो फिर एक साइड पर ये है, तो ये बड़ा एक ऐसा है कि अगर आप सॉन्ग जैसे ना भी सुने और आपको सिर्फ वीडियो दिखाई जाए म्यूट करके, तो भी आपको दिल पर लगेगी और आप समझेंगे क्योंकि लिरिक्स आ रहे हैं ना साथ साथ, आप उसको देख रहे हो। तो ये है बीबी की क्वालिटी है कि ये गाते भी हैं और साथ में इतनी अच्छा काम भी किया उन्होंने, और वीडियो तो उनकी आपको पता ही है कितनी, मतलब मेरे ख्याल से बासित इनकी पहली वीडियो ऐसी होगी जो हम लोगों ने बड़ी संजीदगी से देखी। हाँ, मतलब हर वीडियो में हंसी नहीं होता, मतलब यहाँ पे कॉमेडी सीन होता है, वरना तो हर वीडियो में हम लोग की तो जब अच्छा मैंने सॉन्ग में उन्होंने ऐसा लिया हीर रांझा, एक टाइटल भी ऐसा था ना हीर रांझा के, मतलब एक ऐसा होता है ना, ये तो खैर मैंने बड़े सुने हीर रांझा जैसी मोहब्बत, लैला मजनू जैसी मोहब्बत, ऐसा होता है फैमिलीज में दोस्त यार में एक ना एक को किसी ना किसी को ये खिताब मिला हुआ होता है कि अरे हीर रांझा ये लैला मजनू है, आवाज लगा। हाँ, कोई ना कोई लाजमी ऐसा होता है कि लैला मजनू हीर रांझा, लेकिन हम लोग ये बोल तो देते हैं लेकिन हम यार उनका एंड जहन से हमारे निकल जाते हैं यार ये लोग मिले नहीं ना, सही बात, ये लोग अलग हो गए, जिस तरीके से अलग हुए या जो था मतलब वो दर्द वो तकलीफ सिर्फ वही समझ सकते हैं। बोलना तो बड़ा आसान है कि यार ये हीर रांझा जैसी मोहब्बत ही लैला मजनू जैसी मोहब्बत, लेकिन अच्छा मतलब लोग मतलब वो उड़ाते हैं मजाक ना, अब इनकी जो मोहब्बत है वो ये इतने अब उनकी शक्ल पे बात करते हैं। अब लैला और मजनू को दिखाया गया था कि उनकी शक्लें दिखाई गई थी ना, तो वो कह रहे थे ये क्या हुआ है, बोला तो इसी को तो कहते हैं कि मोहब्बत शक्ल से नहीं होती, मतलब ये दिल की बात होती है। हाँ, किसी पे भी आ सकता है दिल। बिल्कुल, और ऐसी कितनी मिसाल अगर हम लैला मजनू पे ना भी जाएं तो हमने हर मिसाल, देखी सारी है, मिसाल और ऐसी कितनी मिसालें बासित हम लोगों ने देखी है अपने यहाँ पर, क्या कहते हैं लड़की बड़ी अच्छी सी है तो लड़का मतलब बस ठीक है नॉर्मल है, या लड़का बहुत स्मार्ट है दुनिया वालों का काम है ना बोलना, बस एक ही होता है ना कि क्या यार मोहब्बत हो गई ना, मोहब्बत हो गई दोनों आपस में कुछ और क्या चाहिए यार किसी को, लेकिन हाँ अगर हम किसी की जैसे मोहब्बत पे बात करें, जैसे इन्होंने हीर रांझा टाइटल था तो मुझे लगा कि यार हाँ कुछ, मुझे लगा था कुछ सीरियस होगा, लेकिन मैंने कहा बीबी की वाइंस पे तो हंसना हाँ। लाजमी है अच्छा। लेकिन जिस तरीके से जो वीडियोस आ रही थी इतने, वो लोग खुद इतने सैड फेस दिखा रहे थे, इस तरीके से अलग होना एक बिल्कुल मतलब, ये इनको आपने नोट किया ये दिखाने का मकसद था, वो अपनी कुछ स्टोरी बताना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अपना कुछ बताना चाह रहे हैं। मतलब कहते हैं ना वक्त सब सिखा देता है यार, ये भी मतलब ये ऐसे ही नहीं कहा जाता, वक्त सब सिखा देता है यार, साथ रहने वाले यार लोग चले जाते हैं, फैमिली रहने वाले, लेकिन क्या बाकी लोग जी रहे होते हैं, दुनिया है यार, दुनिया इसी का नाम है चलती रहती है, दुनिया कोई किसी के लिए वक्त नहीं रुकता। खैर चलें ठीक है, बीबी के वाइंस एज यूजुअल बड़ा मजा आया, अच्छा रहा, भले हम लोग हंसे नहीं, संजीदा सी वीडियो थी, लेकिन एक कहते हैं ना हर उसमें एक सबक लेना और एक एंजॉय, हर तरह जरूर नहीं हम हंसे तो एंजॉय करें। खैर बड़ा मजा आया, देखिए हा 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 करके बता दिया कि हंसे, चले खैर मुझे और अब्दुल बासित को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी कैप उतरवाएंगे, बहुत जल्द फिर से नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।